दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए तीन अमेजिंग फीचर्स लेके आऊँगा आपके एंड्रॉयड डिवाइस के, तो आज का वीडियो आपने यहाँ पे पूरा ध्यान से देखना है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आज का। थ्री टॉप के फीचर्स हैं आपके डिवाइस के जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरा जो वॉलपेपर है, जो मैंने रखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे, यह सैमसंग गलेक्सी S21 Ultra का ये वॉलपेपर है। हाँ जी दोस्तों, S21 जो आपका लेटेस्ट डिवाइस है उसका वॉलपेपर है, और आप इसके सभी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि तीन फीचर्स कौन से हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फीचर आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये वो आपके डायलिंग पैड का फीचर है। जैसे कि आप डायलिंग पैड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसका नंबर सर्च करूँगा बिना किसी अपनी जो कॉन्टैक्ट बुक को निकाले हुए। जैसे कि डायलिंग पैड यहाँ पे निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करूँगा राहुल का नंबर, राहुल का नंबर यहाँ पे सर्च करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा RAHU, तो यहाँ पे देखते हैं L, तो यहाँ पे राहुल का नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये कैसे आया? ठीक है, मैंने यहाँ पे ओनली यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिट ही यहाँ पे प्रेस किया ना मैंने, तो आप देखते हैं यहाँ पे नीचे जो आप जैसे कि 1 लिखा है, 2 ABC 3 DEF। तो फॉर एग्जाम्पल आप राहुल का नंबर सर्च करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे R आ गया आपका, PQRS, तो पहला वर्ड हमारे राहुल का R है, तो R, फिर ABC का A, H आ गया, U, देखते हैं यहाँ पे राहुल ऊपर आ चुका है ना। तो इस तरह आप किसी का भी नंबर डायलिंग पैड से इस ट्रिक के थ्रू सर्च कर सकते हैं। आई ना समझ, ये ट्रिक बहुत ही कम लोगों को पता है। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। दूसरी ट्रिक कौन सी है, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी को मैसेज करना चाहता हूँ, फॉर मैंने किसी को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश में इसको रिप्लाई करूँगा। किसी को इंग्लिश का रिप्लाई आया तो मैं इसको इंग्लिश में करूँगा, अगर हिंदी में आता तो उसको मैं हिंदी में करूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हिंदी में रिप्लाई करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंग्लिश में। ठीक है, तो देखते रहिए, यहाँ पे मुझे हिंदी नहीं आती। ठीक है, व्हाट्स व्हाट्स अप, तो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। ठीक है, हो गया, मतलब कि मैंने इंग्लिश में टाइप किया और हिंदी में ऊपर लिख के आ गया, मतलब मुझे हिंदी नहीं आती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं इसको हिंदी में चूज़ कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, फिर इसको मैं हिंदी कर दूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अब देखते हैं, मैं सॉरी यहाँ पे मैं हिंदी करूँगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी में यहाँ पे टाइप करूँगा, हाँ जी कहाँ हो, तो आप सत्य पर वे आर यू, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मान लो कि आप हिंदी इंग्लिश में हिंदी में यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो ऊपर इंग्लिश में आ गया रिप्लाई करने के लिए। उसी तरह जो है, आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी, तो हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश लिखेंगे तो वो हिंदी में हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करने की, वो है जी बोर्ड की। तो जी बोर्ड का आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इससे क्या होगा, आप कुछ भी हिंदी में टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इंग्लिश में टाइप करेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको आसानी रहेगी चैट करने में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड ट्रिक। अब हम यहाँ पे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, वो कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप कई बार इमरजेंसी मोड में रहते हैं ना, आप काफ़ी इमरजेंसी में हैं और आप किसी को कॉल बनाने का टाइम भी नहीं आपको, तो क्या होगा, तो मतलब कि कोई मुसीबत में फंसे हैं आप। ठीक है, तो क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग पे आपने यहाँ पे सर्च करना है SOS। ठीक है, आपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में SOS का सर्च करना है, फिर वहाँ पे आपको इस तरह मैसेज आएगा, सेंड SOS मैसेज या फिर इमरजेंसी मैसेज, कुछ कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है,
फिर आपको इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंड SOS मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे नंबर रखना चाहते हैं इसको हम ऑन कर देंगे। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट से रखना चाहते हैं कोई, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्टैक्ट से किसी का नेम, यहाँ पे नेम यहाँ पे चूज़ कर लो, ठीक है, कुछ भी नाम रख लो, चलो राहुल कुछ भी रखो जो आपके माइंड में है, ठीक है। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर डाल देना है, जो भी आप फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। फिर सेव कर दिया, ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, अब क्या होगा कि इससे क्या होगा, अगर आप इमरजेंसी मोड में आ गए, मतलब इमरजेंसी में कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जब अपना फ़ोन लॉक लगाया हुआ है तो आप पावर की को 3 बार प्रेस करेंगे फटाफट, ठीक है, इससे होगा आपकी इमरजेंसी कॉल यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एक तो इमरजेंसी कॉल हो जाएगी, ऊपर से अगर आप वॉल्यूम की 3 बार प्रेस करेंगे तो इससे होगा आप आपके फ़ोन से आपने जो नंबर यहाँ पे ऐड किया है ना उसको कॉन्टैक्ट को SMS चल जाएगा और आपकी लोकेशन भी साथ में सेंड हो जाएगी। जैसे तो यहाँ पे टू SOS मैसेज थे सेटिंग यू नीड टू स्टॉप शेयरिंग और लोकेशन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, साथ में आपकी लोकेशन भी यहाँ पे शेयर हो जाएगी और उस बंदे को पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा कहाँ पे फंसा है इस टाइम। जैसे तो यहाँ पे आपकी लोकेशन भी सेंड हो रही है साथ में, तो यहाँ पे साथ में हिमाचल प्रदेश आपकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो राहुल को नंबर यहाँ पे, सॉरी राहुल को मैसेज सेंड हो चुके हैं, तो आप समझ गए ना इमरजेंसी में ये काम आता है, खासकर लड़कियों के लिए। तो ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आज को पसंद आया होगा, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।